हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर वास मैंने डेकोरेट किया है। यूं ही पड़ा था बिल्कुल प्लेन, बट देखिए जैसे ही इसमें रंग भरे गए ना, इसमें थोड़ी लाइफ आ गई। बहुत सालों से ये ऐसे ही था और प्लेन होने की वजह से इसको ठीक से यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन देखिए जैसे ही इसमें हमने रंग भरे ना, तो ये क्या कहने इसके, आप खुद ही देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना खूबसूरती के साथ ये जो है ना हमारी आंखों को लुभा रहा है। फ्रेंड्स ये बहुत इजी है और चलिए अब हम ये बनाते हैं, आपको बताती हूँ सारा प्रोसीजर। ये देखिए है ना बिल्कुल प्लेन, और ये मंडाला टूल्स लिए हैं मैंने, और ये देखिए जो कुल्फी स्टिक्स है ना डॉट के लिए, आप ये भी ले सकते हैं, क्रोशिया भी ले सकते हैं, और जो हमारे पेंसिल के जो बैक साइड पे रबर बैंड होती है ना, रबर जिससे हम इरेज करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको सब तरह से बताऊंगी। मैंने टील ब्लू, स्काई ब्लू, क्रोम येलो और हमारे नियॉन शेड में पिंक, येलो एंड ग्रीन लिए हैं कलर्स। सो अब ये देखिए मैं इससे डॉट लगा रही हूँ, इससे बिल्कुल राउंड डॉट लगती है। फ्रेंड्स देखिए कितनी गोल बिल्कुल लगी है बिना किसी गलती के। तो आप भी कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही बनाने की, और बहुत ही क्लियरली ये जो है ना आपको रिजल्ट देगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मंडाला टूल्स, क्योंकि ये अलग अलग शेप एंड साइज़ के होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें अलग अलग तरह की डॉट बनाने में इजी हो जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग भी मंडाला टूल्स की एक जो सेट है ना वो मंगा कर रख लीजिए, अगर आपको भी मेरी तरह डॉट मंडाला बहुत पसंद है तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर्स के साथ खेलना और कलर्स के साथ ही जो है ना रहना, इसीलिए मैं डेली डेली आप सभी के लिए वीडियोज़ लेकर आती हूँ, नई नई चीज़ें बनाती हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे व्यूअर्स हमेशा मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का वेट भी करते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग जो है ना क्या सीखना चाहते हैं ये भी तो मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे ना, तभी मुझे पता चलेगा। आप ये देखिए हर डॉट के सेंटर में आपको जो है ना डॉट लगानी है, आप छोटी लगाएं या बड़ी ये तो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। लेकिन जो डॉट हम सेकंड जो राउंड में लेते हैं ना, हमारा थर्ड राउंड एक तो सेंटर डॉट होती है, उसके बाद हम सब डॉट्स लगाते हैं, उसके बाद जो डॉट्स लेते हैं ना वो हमें हर डॉट के सेंटर को लेकर फिर हमें लगानी चाहिए। देखिए उससे कितनी क्लियरिटी आती है। और जो है ना मैंने ब्रश से ट्राई किया था, लेकिन ब्रश मेरी परी ने थोड़ी सी आगे से ख़राब कर दी है, सो क्लियरिटी उतनी जो है ना फाइन जैसी मैं चाहती हूँ वैसी नहीं आई। बाकी ये भी ठीक लग रहा है। मैंने आपको इसी वीडियो में मंडाला टूल्स की हेल्प से भी ये जो है ना हमारा पैटर्न बनाना बताया है। सो बने रहिए, देखिए वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, और वो सभी चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब जो है ना हम डॉट लगा रहे हैं, डॉट की जो मंडाला टूल्स है ना उसकी हेल्प से। तो ये देखिए डॉट लगाया और उसको ही हमने थोड़ा सा जो है ना खींच दिया और वो हमारा इस तरह की शेप में आ गया। तो फ्रेंड जब आप ये डॉट लगाएं ना, तो जिस बड़े जो साइज़ का है ना जो डॉट, उससे आप डॉट लगाइएगा, और जो बारीक साइड है ना मंडाला टूल्स की उससे आप ये खींचिएगा उसको, यानी कि शेप दीजिएगा, तो इसकी जो है ना शेप बहुत फाइन आएगी। अगर बिगिनर भी कर रहे हैं तो भी इसकी शेप बहुत फाइन आने वाली है। मुझे तो ये इतना भी डॉट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड, लेकिन आप कहेंगे कि वीडियो बनाई है तो इतना कम क्यों दिया। चलिए हम आपको पूरा देते हैं, पूरा ही सिखाते हैं। तो ये देखिए अब मैं पिंक कलर जो नियॉन शेड है ना वो शेड यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे बहुत पसंद आई है नियॉन शेड, और जो है ना नियॉन शेड इस कॉफ़ी कलर के वास पर बहुत खूबसूरत लग भी रही है। इस शेड पर कोई और कलर तो सूट कर नहीं रहे थे, तभी मैं नियॉन शेड्स को यूज़ किया, और देखिए आप सभी के सामने है रिज़ल्ट तो कितना खूबसूरत है।
रिज़ल्ट अगर इतना खूबसूरत होगा ना फ्रेंड, तो हर कोई मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये चीज़ तो ऐसी है कि आप ना चाहें तो जो आपके बच्चे हैं 8 से 10 साल की एज के, आप उनसे भी जो है ना ये करवा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है फ्रेंड्स इस आर्ट से। सो कॉन्सेंट्रेशन लेवल की ही तो आजकल के बच्चों में कमी है। ये फ़ोन्स और टीवी और कंप्यूटर्स हमने उनके हाथों में दे दिए हैं, और जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जिस चीज़ से बढ़ती थी, पहले भी तो करते थे ये सब काम, लेकिन अब जैसे जैसे बंद हुए हैं, जैसे जैसे हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगा है, दूसरे गैजेट्स पर लगा है, तो हमारा जो है ना डिस्ट्रैक्शन होने लगी है माइंड की। सो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो मैंने एक तो बड़ा सर्कल ये बनाया है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको भी सिखाया है, और उसके बाद मैंने पूरे वास पर ये इस तरह से ज़्यादा बड़े डॉट्स नहीं बनाए हैं, मतलब बनाया है डिज़ाइन, बट उतना बड़ा नहीं बनाया जितना हमने वो मेन डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि उसकी ब्यूटी तो उस डिज़ाइन की ब्यूटी इन्हीं डॉट के साथ आ रही थी। अगर मैं पूरा भर देती तो जो हमारे वास का वुडन लुक है ना, वो नहीं रहता, और वो नहीं जो है ना उसकी जो एनहांसमेंट जो होती है हमारी, वो नहीं हो पाती। सो ये देखिए किस तरह से कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे इसको पकड़ना फ्रेंड्स, आप सबको दिखाना। तो मैं उसमें एक फिंगर अपनी फंसा कर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। सो ये देखिए, अब ये कुछ मेरे पास 3D लाइनर्स हैं, और ग्लिटर वाली लाइनर्स भी हैं। सभी लाइनर्स मैंने आपको दिखा दी, और अब हम जो करेंगे ना हमारी क्रिएटिविटी, वो करेंगे हम हमारी ये जो 3D लाइनर्स है इससे, सभी कलर्स के 3D। सो फ्रेंड्स, जो डॉट मंडाला आर्ट है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 3D लाइनर की हेल्प से तो डॉट लगाया है, और उसको जो शेप दे रही हूँ ना मैं, वो दे रही हूँ हमारे मंडाला टूल्स की हेल्प से। ये मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल के तौर पर आपको बताया है कि अगर कई बार हमसे डॉट बिल्कुल सही नहीं लगती है ना, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बस बात ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान से रखना होता है। अब ये देखिए, अगर आप परफेक्ट है ना लगाने में, तो आप डायरेक्ट 3D लाइनर से भी इस तरह से जो है ना डिज़ाइन पैटर्न को बना सकते हैं। सो ये किसी भी तरह से बनाइए फ्रेंड्स, लेकिन बस बात ये है कि थोड़ा सा फाइन होगा ना जितना, उतना ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा हमारी चमक धमक यानी कि मिरर्स ऐड कर रही हूँ। मीडियम साइज़ के मैंने मिरर्स लिए हैं, और ये मैं 1x1 इसमें पेस्ट करती जा रही हूँ। अगर आप मिरर्स ना भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं है, ये बिना मिरर्स के भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और इस तरह के वॉसेस तो हमारे घरों में अक्सर मौजूद होते ही हैं, और ये मेमोरेबल भी होते हैं, क्योंकि आजकल तो इतना अच्छा वर्क, इतनी प्यारी शेप्स हमें नहीं मिलती हैं। और देखिए, अब मैं 3D लाइनर से उसकी चारों तरफ है ना जो आउटलाइन दे रही हूँ मिरर के। और फ्रेंड, जब आप ये आउटलाइन देना, तो ये जब ड्राई हो जाएगा ना कलर, उसके बाद ही आप ये आउटलाइन दीजिएगा, और तभी ये जो है ना आपका लुक इसका ऐसा आएगा जैसे आपने उसको किसी सर्कल में फिक्स किया हुआ है। ये देखिए, कई बार बबल आ जाता है हमारे लाइनर्स में, तो हमारा कलर थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, बस और कुछ नहीं है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये सर्कल करने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, जितना भी है ना ये मुझे इतना भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और क्रिएशन किया था आप सबको जो है ना अच्छी तरह से सिखाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक डिटेल्स के साथ समझ में नहीं आएगा, तब तक मेरे बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपकी वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि आर्ट फैक्ट्री चैनल तो बेकार है। नहीं फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे तरीके मैं लेकर आती हूँ, और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया मैं सोचती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो देखिए, ये जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं ना हमारे 3D लाइनर्स, तो उनको इस तरह से किसी भी निडल की हेल्प से आप थोड़ा सा आप उसके अंदर निडल डाल दीजिए, तो वो ब्लॉकेज उसकी खुल जाएगी। तो ये देखिए जो है ना डिज़ाइन 3D लाइनर की वजह से ये थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट आ गया है हमारे जो वास में, और बहुत ही मुझे तो
क्या कहें, बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने बहुत सारी बॉटल्स को डेकोरेट किया है, बहुत सारे तरीके से किया है। इवन मैंने बॉटल से लैंटर्न भी बनाई है, लालटेन को एक डॉल की वे में बनाया है, वो वीडियो भी चैनल पर है। मैंने डेकोपेज भी किया है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है। और मैंने मीनाकारी आर्ट भी एक बॉटल पर किया है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है। और लेटेस्ट अभी वन स्ट्रोक आर्ट भी मैंने एक बॉटल पर किया था, तो ये वीडियो भी चैनल पर है। सो फ्रेंड्स, जो हमारी अलग अलग तरह से हम किस तरह से अपने घर को सजाते हैं, ये तो हम सब पर ही डिपेंड करता है। और देखिए, अब जो बीच का स्पेस है ना इन फ्लावर्स के बीच में, वहाँ भी मैंने छोटे साइज़ के, जो बिल्कुल छोटे मिरर थे ना मेरे पास, आप सबको तो पता है, वो मैंने इस पर पेस्ट कर दिए हैं। आप चैनल पर विज़िट करके सभी बॉटल्स की जो है ना वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। वैसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ये तो आप देखेंगे तभी समझेंगे, तभी कहेंगे, तभी बताएंगे मुझे। और अब ये देखिए, जो है ना मिरर्स लगते लगते इसमें थोड़ा सा गुजराती सा टच आ गया, मुझे लग रहा है जैसे जो गुजराती वर्क होता है ना, बिल्कुल वैसा वैसा सा लग रहा है। ये देखिए, परी मैडम हमारे पास खड़ी है और वो भी कोशिश करती रहती है साथ साथ करने की, लेकिन अभी छोटी है, थोड़े दिन में आप भी देखेंगे कि वो भी कर रही है। तो अब ये देखिए, इसको जो है ना हमने क्लियरली वो कर दिया है, जहाँ पर हमारा कम था ना वहाँ पर हमने एक एक जो है ना उसको बाउंड्री और दे दी है, ताकि वो थोड़ा सा और 3D लुक में लगे। सो फ्रेंड्स, किस तरह से हम उसको डिज़ाइन को बढ़ाते जाएं, ये तो बहुत इजी है और सबको पता भी है कि किस तरह से हम डिज़ाइन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो है ना, आप घटा बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर वो उस पर सूट ही नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा क्या। मिक्स एंड मैच रहना चाहिए, सिमेट्री रहनी चाहिए, तभी वीडियो पर जो है ना आप लोग फोकस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा रिज़ल्ट है वो कितना खूबसूरत है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी लाइक करने में परहेज ना कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर ही मुझे एनकरेज करता है। आपका कुछ नहीं जाता बट मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, मैं बहुत सारी क्रिएशंस बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और भी ज़्यादा खुशी से बनाऊँगी। सो चैनल पर अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि डेली मेरी वीडियो आती है और डेली आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी उससे, और आपके लिए वीडियो सर्च करना इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा रिजल्ट और ये डॉल्स की वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री PD।